क्रॉस के अब तक के सबसे जो विचित्र सबसे जो वियर्ड प्लेयर्स थे उसमें से एक थे स्वामी ओम। भाई नाम सुन के तो ऐसा लगेगा कि चरण स्पर्श कर लूं, लेकिन उनकी हरकतें कुछ ऐसी थी। उन्होंने गेम के दौरान बानी जे पे अपना यूरिन फेंक दिया था। भाई कौन करता है ये गेम के लिए, उन्होंने किया था। और इस हरकत से सभी जो कंटेस्टेंट थे वो काफी नाराज थे। और उसके बाद स्वामी ओम को जो बिग बॉस का जब जेल होता है उसके अंदर डाल दिया था, और इस हरकत की वजह से उन्हें घर से बेदखल भी कर दिया। आपको वो सीजन तो याद ही होगा जिसमें राहुल महाजन, राजा चौधरी और आशुतोष ने घर से भागने का प्लान बना दिया। एक्चुअली हुआ ऐसा था कि घर में जो खाना आता था, जो राशन आता था, उससे ये काफी नाराज थे। और इस खाने की तकलीफ की वजह से उन्हें ऐसा लगा कि भाई चलो घर से भाग जाते हैं। कि बिग बॉस 13 में मधुरिमा ने विशाल को जैसे फ्राइंग पैन से मारा था कोई नहीं भूल सकता। एक्चुअली में हुआ ऐसा था कि मधुरिमा ने विशाल को अपने लिए चाय बनाने बोल दिया, तो विशाल ने इनकार कर दिया। उसके बाद मधुरिमा ने विशाल को बहन जी बोला। गुस्सा होकर विशाल ने मधुरिमा पे पूरी एक पानी की बोतल खाली कर दी, और मधुरिमा ने गुस्सा होकर फ्राइंग पैन से विशाल की धुलाई की। सीजन 7 तो आपको याद ही होगा, क्योंकि जिस तरह अरमान कोहली और सोफिया हयात का झगड़ा हुआ था कोई नहीं भूल सकता। उस झगड़े के बाद सोफिया हयात ने अरमान कोहली पर FIR डाल दी, और उसके बाद अरमान कोहली को अरेस्ट हो गई थी। ये सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी थी इस सीजन की। इसी सीजन में गौहर और कुशाल टंडन का जो लव अफेयर था वो काफी ज्यादा फेमस हो गया था। जब कुशाल को उसके एग्रेशन की वजह से घर से बेदखल होने के लिए बोला था, तब गौहर ने कहा था कि अगर कुशाल को निकाल रहे हो तो मैं भी साथ निकलूंगी, और दोनों ने साथ में एग्जिट ली थी। लेकिन उसके बाद गौहर वापस आ गई शो में। बिग बॉस सीजन 3 में KRK ने गुस्से में आकर एक बॉटल, पानी की बॉटल, रोहित वर्मा की तरफ फेंक दी। लेकिन वो बॉटल रोहित वर्मा को नहीं लगी, वो बॉटल लगी शमिता शेट्टी को। उसके बाद KRK को घर से बेदखल कर दिया। बिग बॉस सीजन 6 जाना जाता है ईमान सिद्दीकी के हरकतों के लिए। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो कभी किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। उन्होंने अपने आप को कैमरा के सामने स्ट्रिप कर दिया। एक्चुअली हुआ ऐसे कि आशका ने उनको, ईमान सिद्दीकी को, उनकी फेमिनाइन स्टाइल के ऊपर से काफी सारे टॉन्च कर दिए, और उसके बाद उन्होंने कैमरा के सामने स्ट्रिप कर दिया, खुद के कपड़े उतरवा दिए। सीजन 8 में करिश्मा तन्ना ने कुछ टास्क के दौरान कुछ ऐसा कर दिया जो कि पहले किसी ने किया नहीं था। उन्होंने कंटेस्टेंट्स को चेयर के ऊपर से उठाने के लिए, मतलब गौतम गुलाटी, पुनीत इसार, इनको उस चेयर के ऊपर से उठाने के लिए उनके बॉडी पे चिली पेस्ट लगा दी। भाई अगर चिली पेस्ट तुम अपने बॉडी पे लगाओ तो क्या हालत होगी आप सोच सकते हो। बिग बॉस की शादियां काफी ज्यादा फेमस हुई थी, जैसे कि सारा खान और अली मर्चेंट की शादी। सारा खान और अली मर्चेंट 3 साल से रिलेशनशिप में थे, लेकिन सारा खान जब बिग बॉस में थी तब अली मर्चेंट अचानक से बिग बॉस में उन्होंने एंट्री ले ली, और बिग बॉस के घर के अंदर ही उनकी शादी हो गई। बिग बॉस 13 तो आपको ऑब्वियसली याद होगा, क्योंकि शहनाज और सिद्धार्थ का जो रिलेशनशिप था वो काफी ज्यादा, मतलब रिलेशनशिप नहीं, जो कुछ भी था उनके बीच वो काफी ज्यादा फेमस था। तो एक्चुअल में हुआ ऐसा था कि सलमान खान ने सिद्धार्थ को वार्न कर दिया था कि भाई ये जो तुम्हारा जो रिलेशनशिप है ये काफी टॉक्सिक होने लगा है, क्योंकि जिस तरह शहनाज रिएक्ट करती थी, जिस तरह वो पजेसिव हो रही थी सिद्धार्थ को लेके, उसके बाद सलमान ने सिद्धार्थ को वार्न कर दिया था कि भाई दूर रहो। तो ये उस सीजन का एक हाइलाइटेड पार्ट था। आपको वो सीजन तो याद ही होगा जब मंदना और रोशन कीत के ऊपर से झगड़ा कर रहे थे। हुआ ऐसा था कि मंदना जो थी वो कीत की पार्टनर थी और रोशन कीत की गर्लफ्रेंड। तो मंदना और कीत को एक बेड मिला था जो वो शेयर कर रहे थे, लेकिन रोशन को उनकी गर्लफ्रेंड होने के नाते उनके साथ सोना था, तो उनके पास रहना था। तो मंदना ने साफ साफ मना कर दिया बेड से शिफ्ट होने से। उसके बाद उन दोनों का झगड़ा हुआ था, लेकिन शॉकिंग चीज ये थी कि कीत ने इस झगड़े में कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने किसी की भी साइड नहीं ली। तो ऐसे ही कुछ फनी फनी वीडियोस देखने के लिए, बॉलीवुड के गॉसिप सुनने के लिए हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना, और हर वीडियो को लाइक करना, उस पे तुम्हें जो कुछ भी लगता है वो कमेंट करना, वी आर रीडिंग। और हाँ, बेल आइकन दबा लेना। थैंक यू।